सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इंट्राडे गाइड को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इस लिंक को दबाइए, इससे आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच सकते हैं और आप मेरे ग्रुप पे ऐड हो सकते हैं। तो इस ग्रुप पे मैं आपको बताऊंगा जब भी मार्केट ओपन होगा, मार्केट आवर्स के अंदर मैं आपको कॉल्स प्रोवाइड कराऊंगा जिस पे आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो ये मेरे व्यूअर्स के लिए है। तो अभी आपने अगर मेरे टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड नहीं करा है तो अभी जाकर डाउनलोड करिए और इस लिंक को दबा के मेरे चैनल पर तुरंत ऐड हो जाइए। अभी कुल 1000 पीपल्स ऐड हो चुके हैं और भी ऐड हो जाएंगे तो आपको शॉर्ट शॉर्ट प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। हे गाइस, स्वागत है आप इंट्राडे गाइड पे और मैं हूँ आपका दोस्त शिवांश वसीम। तो आज हम बात करेंगे कि 7th of May को निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या एनालिसिस करके चलनी है, कौन से स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं मंडे के मार्केट पे। आज पूरी डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं कि अगला हफ्ता कैसा रह सकता है, क्या क्या उसके जो मार्केट के सेंटिमेंट्स हैं, किस तरीके से बिहेव कर सकते हैं, कौन से न्यूज़ के ऊपर कर सकते हैं, वो भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मैंने आपको 4th of May के लिए जो स्टॉक्स रिकमेंड करे थे, जिसमें मैंने आपको रिकमेंड करा था मणप्पुरम फाइनेंस, सन फार्मा, वेदांता, GSW एनर्जी और LET इन्फोटेक। तो इसमें अगर हम बात करते हैं मणप्पुरम फाइनेंस की, तो हमें उसके दोनों टारगेट्स अचीव होते हुए नहीं दिखे। सिर्फ 2 रुपये ऊपर जाके मणप्पुरम फाइनेंस ने अपने टारगेट को कंप्लीट करा, पर हम उसे टारगेट्स हिट होते हुए नहीं देख पाए, तो वो स्टॉक ड्रॉप कर दिया जाता है। अब बात करते हैं हम सनफार्मा की। तो सनफार्मा में हमने देखा कि हमारे स्टॉप लॉस से नीचे ही शुरुआत हुई है, तो सनफार्मा में आप लोग ट्रेड नहीं कर पाए होंगे क्योंकि स्टॉप लॉस के नीचे ही उसने खुलना शुरू करा और वहीं से वो ट्रेड करना शुरू कर रहा था। तो आपने सनफार्मा में भी बेट नहीं करा होगा तो आपको लॉस तो हुआ नहीं होगा। तो अब बात करते हैं, इसको भी हम डिक्लाइन कर देते हैं, हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो दो स्टॉक्स थे जो आउट परफॉर्म नहीं कर पाए। अब आते हैं तीसरे स्टॉक के ऊपर जो था वेदांता। तो हमने वेदांता में देखा कि हमारा जो पहला टारगेट था 290 का, वो अचीव होते हुए दिख गया था। उसके बाद से हमने उसमें गिरावट आते हुए देखी और अगर गिरावट आई थी तो आप वहाँ से प्रॉफिट बुक करके निकल गए होंगे, क्योंकि अगर मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आपको पहला टारगेट अचीव हो जाता है और दूसरे टारगेट के ऊपर बढ़ना शुरू करता है तो आपको पहले टारगेट को स्टॉप लॉस मान लेना चाहिए और अगर आप वहाँ से एग्जिट कर गए होंगे तो आप मुनाफे में रहे होंगे। अब बात करते हैं L&T इन्फोटेक की। तो हमने देखा था कि L&T इन्फोटेक बिल्कुल हल्के हल्के बढ़ना शुरू हुआ था और हमारे दोनों टारगेट्स को अचीव करने के बाद भी और ऊपर के लेवल्स L&T इन्फोटेक ने दिखाए, तो आपको दोनों टारगेट्स का पूरा प्रॉफिट हुआ होगा और एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी हो गया होगा। तो अब बात करें अगर हम GSW एनर्जी की, तो उसके भी हमें दोनों टारगेट्स अचीव हो गए थे और 74 का लेवल दिखा दिया था, तो आपको दोनों टारगेट्स प्लस एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट था वो भी अचीव हो गया होगा GSW एनर्जी के अंदर। तो ये दोनों बहुत स्लो मूवर थे। अगर हम बात करें तो हमें लग रहा था कि ये और नीचे या ऊपर नहीं जा सकते, पर उन्होंने हमारे चार्ट्स को पूरी तरीके से रीड करके हमारे मोमेंटम के साथ ही बढ़े। GSW स्टील सेल एनर्जी सेल करने की सलाह दी थी, आपको पूरे टारगेट्स के साथ प्रॉफिट अचीव हो गया होगा। अगर हम बात करें L&T इन्फोटेक, तो पूरा प्रॉफिट आपको अचीव हो गया होगा और अगर आपको मणप्पुरम फाइनेंस के अंदर लॉस भी हुआ होगा तो वो भी रिकवर हो गया होगा। तो इसका सेशन बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, पर अच्छा गया था। तो इसमें अगर हम कहें तो हमें लॉस बिल्कुल भी नहीं हुआ, पर हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल गया। अब बात करते हैं 7th of May में निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या एनालिसिस करके चलनी है, तो कौन से स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं, पहले उसके बारे में बात करते हैं। ICICI बैंक, नॉसिल, पिडिलाइट, ITC, केडला हेल्थ केयर। ICICI बैंक सेल करने की सलाह दी जाएगी आपको इसमें 279-275 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 286 का लगा के चलना है। 282.85 का मैं करंट मार्केट प्राइस शो कर रहा है। चार्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो चार्ट स्ट्रक्चर की भी इसके अंदर वीक है। और अगर हम दूसरी बात करें ICICI बैंक के अंदर, तो कल इसके तिमाही नतीजे आने हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं इसके। तो अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जो बड़े बड़े एनालिस्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि जो इसके रिजल्ट आने हैं वो बहुत वर्सेन आने हैं, बहुत गंदे रिजल्ट इसके आ सकते हैं, बहुत गंदा डिक्लाइन आ सकता है, NPA इंक्रीज हो सकता है, तो ये शायद स्टॉक कल के मार्केट में बहुत तेजी से गिरना शुरू कर दे। और हमने देखा है कि ये स्टॉक बहुत गिर भी चुका है, तो शायद इसमें थोड़ी रिकवरी आने की कोशिश करें क्योंकि लोग बहुत बेच चुके हैं
अब वहां से ये स्टॉक शायद मोमेंटम दिखा दे, तो अगर वो थोड़ी और ऊपर जाता है तो आप वहां से वापस सेल कर सकते हैं और आपको ये नीचे के लेवल जरूर दिखाएगा। नौसेल की बात करें तो बाय करने की सलाह दी जाएगी आपको इसमें 218-228 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 212 का लगा के चलना है। चार्ट स्ट्रक्चर इसका हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग ज्यादा नहीं है पर वीक भी नहीं है, और ये अपने एक सपोर्ट के पास खड़ा हुआ है जिससे हम कह सकते हैं कि ये अब ये उछाल दे सकता है, तो इसमें आप एक बेट कर सकते हैं। पिडिलाइट को भी सेल करने की सलाह दी जाएगी। जिस तरीके से हमने देखा कि ये अपने अच्छे खासे जो इसका हाई लेवल था वहां से इसने रिवर्सल देने की कोशिश करी, अगर हम इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट में मान के चले तो 100% जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल होता है वहां से इसने बाउंस बैक दिया है, यानी कि 61.8% जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो लेवल था वहां से इसने बाउंस बैक दिया, यानी कि 120 का जो लेवल था 1120 का, तो वहां से इसने बाउंस बैक देने की कोशिश करी, और हम देख रहे हैं कि 2 दिन से लगातार ये स्टॉक गिर रहा है, और अभी भी हम कह सकते हैं कि ये स्टॉक और नीचे जाने की इसमें संभावना है, तो 1030980 के टारगेट के साथ आप इसे सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको थोड़ा दूर कर रख के चलना पड़ेगा 1120 का। आप इसे अगर आप पोजिशनली बेट करके चले तो आप इससे भी फायदा कमा सकते हैं पिडिलाइट के अंदर। यही बिल्कुल सेम पैटर्न जो इसका बनते हुए आ रहा है, बिल्कुल सेम पैटर्न हमने DHFL का भी बनते हुए देखा, जो ये अपने 100% फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो इसका था वहां से जाके ये गिरना शुरू हुआ, और हमें कम से कम 40 पॉइंट की प्रॉफिट रिकवरी हमें आती भी दिखी, अगर किसी ने DHFL को वहां से शॉर्ट करते हुए चला होगा तो आपने अच्छा खासा उसमें चार्ट पैटर्न बनते हुए देखा हुआ है। अब शायद वहां से थोड़ा रिवर्सल वापस आना शुरू करे और ये अपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट यानी 100% के लेवल की तरफ बढ़ना शुरू कर दे, पर अभी हम कह सकते हैं पिडोलाइट थोड़ा उससे ज्यादा वीक है, तो हम ये और गिरावट दिखा सकता है। ITC हमने देखा कल के मार्केट में, इसमें हमने अच्छी खासी आते हुए गिरावट देखी थी, हमने देखा था कि परसों इसने अच्छी रिकवरी करी थी, पर वहां से कल हमने देखा कि इसे रिकवर करना चाहिए था क्योंकि चार्ट पैटर्न में लग रहा था ये और स्ट्रांग है, पर हमने देखा कि इसमें अच्छी खासी डाउन साइड बनते हुए देखी थी, तो हम कह सकते हैं कि चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी इसका डाउन साइड के अंदर ही है। 274.60 272 के टारगेट के साथ आप इसे बेच के चलिए और स्टॉप लॉस लगाइए 280.740 का। केडला हेल्थ केयर की बात करें तो केडला हेल्थ केयर अभी का भी हम बात करें तो चार्ट स्ट्रक्चर वीक है इसका, हम ये नहीं कह रहे कि इसका चार्ट स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, तो इसलिए हम इसे बाय करने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर आपको सेल दिख रहा होगा पर आपको इसको बाय करने की मैं सलाह दे रहा हूँ केडिला हेल्थ केयर के अंदर, क्योंकि ये अपने एक सपोर्ट के पास खड़ा हुआ है और अब मुझे लगता है कि ये सपोर्ट से बाउंस बैक दे सकता है, क्योंकि ये एक मल्टीपल सपोर्ट है जहाँ से ये बार बार बाउंस बैक दे देता है। अगर ये कल यहाँ से बाउंस बैक देता है तो आपको 400 तक के लेवल्स भी आराम से आते हुए देखने को मिल सकते हैं केडिला हेल्थ केयर के अंदर, तो इसलिए मैं आपको बहुत पास का स्टॉप लॉस सजेस्ट कर रहा हूँ 387.3686.40 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखिए, और आपको इसमें ऊपर की तरफ अपसाइड्स मिल सकती है। अगर ये उस मल्टीपल सपोर्ट को ब्रेक करते हैं केदार हेल्थ केयर तो हम और डाउन साइड आते हुए इसके अंदर देख सकते हैं, तो बहुत पास का स्टॉप लॉस रख के आप चलिए इसमें, और एक रिस्की ट्रेड है पर आप इसमें बाय जरूर कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको सेल शो कर रहा होगा, आपको बाय करने की ही सलाह दी जाएगी। अब बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पे, तो हमने देखा था कि निफ्टी का चार्ट, मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि निफ्टी वीक नहीं है पर उस दिन वो नीचे जाएगा, यानी कि 4th of May को नीचे जाएगा, और वही हुआ और निफ्टी 4th of May को नीचे गया था। और अगर आप मेरी वो पुरानी वीडियो खोल के देखेंगे तो मैंने आपको कहा था उसमें कि आपको 600 रुपये के आसपास यानी 580 रुपये के आसपास मिलता है तो आप वहां से बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, तो वही हुआ कि हमने 600 रुपये के आसपास ही इसने क्लोजिंग दी है, तो अगर आपने वहां से इस पर बाइंग पोजीशन बनाई होगी तो कल ये हमें बहुत अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है, क्योंकि 600 रुपये का जो इसका था, 10,600 की बात कर रहा हूँ मैं आपको, वैसे 600 बता रहा हूँ, 10,600 का जो लेवल है बहुत एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस स्ट्रांग सपोर्ट का काम कर रहा है, और यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ से एक रिवर्सल वो दे सकता है, तो रिवर्सल के लिए अगर आपने इसमें बाय करी होगी तो शायद ये कल मार्केट में आपको अच्छा खासा रिटर्न कमा के दे सकता है। तो यानी कि 10,560 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए, 10,650 10,680 के टारगेट्स आपको कल यानी इंट्राडे के अंदर आपको मिल सकते हैं मंडे के सेशन में, कि परसों भी आपको 2 दिन का आप इसे ट्रेड लेकर चलिए तो 750 तक के लेवल्स भी आपको इसके अंदर आने में टाइम में मिल सकते हैं। अब बात करते हैं कि कल का जो मंडे को जो वीक स्टार्ट होगा, तो वीक के अंदर जो कर्नाटका इलेक्शन के इलेक्शन होने वाले हैं 12 तारीख को, 15 तारीख को उसके रिजल्ट आने, तो हम कह सकते हैं उससे 1-2 दिन के अंदर अंदर ही मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो जाएगा,
बहुत वॉलेटाइल मार्केट में हम ये कह सकते हैं कि हमें ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के अंदर ही वर्क करना पड़ेगा, हम फ्यूचर्स नहीं बाय कर सकते, यानी कि हम इक्विटी सेगमेंट के अंदर नहीं बाय कर सकते। इसलिए मैं आपको 10 तारीख से यानी 9 तारीख से मैं आपको ऑप्शन स्ट्रैटेजी ही देना शुरू करूंगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर, और मैं आपको लेवल्स फ्यूचर्स के बता दूंगा कि आप उसी हिसाब से अपनी ऑप्शन स्ट्रैटेजी बना सके और आप खुद ही ट्रेड ले सके। तो अब बात करें बैंक निफ्टी की तरफ, तो बैंक निफ्टी का चार्ट स्ट्रक्चर बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर हम बात करें निफ्टी के मुकाबले, ये ऊपर जाने की कोशिश तो करता है, 10,700 के आसपास बढ़ने की कोशिश करता है, सॉरी 25,700 के आसपास बढ़ने की कोशिश करता है। वहां से हम देख पाते हैं कि एक रिवर्सल आ जाता है और वो नीचे गिरना शुरू कर देता है, पर नीचे भी वो ज्यादा डाउन साइड में नहीं जा पाता, फिर रिवर्सल दे पाता है। तो हम कह सकते हैं कि 25,500 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। अगर ये 25,670 25,680 के ऊपर निकलता है, यानी 25,690 के ऊपर अगर ये कंटिन्यूसली सस्टेन करेगा, तो हम 25,800 तक के लेवल्स भी आते हुए बैंक निफ्टी के अंदर कल के सेशन में देख सकते हैं। अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ICICI बैंक को सेल करके चलना है, और अगर वो ज़्यादा करेक्शन में जाता है और भी कुछ बैंक के स्टॉक्स वीक लग रहे हैं और वो भी नीचे डाउन साइड जाते हैं, तो बैंक निफ्टी ज़्यादा आउट परफॉर्म नहीं कर पाया और वो निफ्टी को थोड़ा नीचे लेकर आ जाए, पर आपको इसमें ट्रेड करने की सलाह मैं ज़रूर दूंगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कल मार्केट डिराइव हो सकती है। और अगर हम बात करें तो मार्च के सीरीज के IIP के रिजल्ट भी आने हैं, IIP के आंकड़े आने हैं, मई के भी सॉरी अप्रैल के, तो हम देख सकते हैं कि वो कैसे रिजल्ट आ सकते हैं। अगर 7% के ऊपर ही सस्टेन करता है तो हमारी मार्केट एक पॉजिटिव मिलेगी। अगर हम बात करें तो हमने देखा था कि हमने जनवरी में उसके देखा था कि 7.4% का IIP का आंकड़ा आया था, और हमने देखा था कि फरवरी में 7.1 आया था। अब मार्च की जो आने वाली है हम उसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 7 से ऊपर ही आनी चाहिए या 7 आनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि अभी भी हमारी इकोनॉमी सस्टेन कर रही है, इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है और 7% के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। तो ये दोनों फैक्टर को हमें मार्केट डिराइव कर सकती है पूरे हफ्ते के अंदर। तो ये थी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और एक बात और, मैं आपके लिए और वीडियोस लेकर आ रहा हूँ जिसमें मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए कौन से स्टॉक्स आप बाय कर सकते हैं 2-3 हफ्ते के लिए और 1-2 मंथ के लिए, जो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देकर जा सकते हैं, या पोजिशनल या स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से मैं स्टॉक्स सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं आपके लिए आने वाले कल यानी परसों तक मैं आपके लिए वो वीडियो ले आऊँगा, उसे ज़रूर देखिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और एक खास बात और बताना चाहूँगा कल के मार्केट के लिए, जब मंडे को मार्केट ओपन होगा, कि हम देख चुके हैं जो क्रूड ऑयल के प्राइसेज है वो इंक्रीज होना शुरू हो गए, यानी 2% से क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो चुका है। और अगर ये $65 पर बैरल के ऊपर निकलता है कल जब मार्केट ओपन होगा, तो हम कह सकते हैं कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, जो क्रूड ऑयल इंक्रीज होता है कौन सी कंपनीज को फायदा होता है या कौन सी कंपनीज को नुकसान होता है, उन पर भी आप बेट कर सकते हैं। तो अगर अभी आपको वो नहीं पता कि कौन सी कंपनीज को सबसे ज्यादा फायदा होता है अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, या सबसे ज्यादा नुकसान होता है जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर आपको वो वीडियो शो कर रही होगी, इसमें आपको आसानी से पता लग जाएगा कौन से सेक्टर कौन से स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देखते हैं, एक लाइक बटन को हिट जरूर कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए अगर आपको कोई भी डाउट हो। पहली बार अगर मेरे जो व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबाएंगे जिससे आप मेरी लेटेस्ट अपडेट्स वीडियोस के साथ जुड़े रहेंगे और स्टॉक मार्केट में पैसे कमाते रहेंगे। तो मैं शिवांश भसीन मिलता हूँ आपसे कल नई वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ।